हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। क्रिकेट की एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम उन प्लेयर्स को याद करेंगे जिन्होंने उम्र रसीदा होने के बावजूद वनडे क्रिकेट में अपनी टीम की नुमाइंदगी की। टॉप फाइव की इस फहरिस्त में पांचवा नंबर हॉलैंड के फ्लेवियन अपांसो का है। अपांसो ने 1996 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा के मकाम पर डेब्यू किया। उस वक्त उनकी उम्र 43 साल और 112 दिन थी। इस लिस्ट में चौथा नंबर नामीबिया के लेनी लाउड का है। लेनी लाउड ने 2003 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मकाम पर डेब्यू किया। उस वक्त उनकी उम्र 43 साल और 236 दिन थी। तीसरे नंबर पर हांगकांग के राहुल शर्मा हैं। राहुल शर्मा ने 2004 के एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो के मकाम पर अपना डेब्यू किया। उस वक्त उनकी उम्र 43 साल 306 दिन थी। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के नॉर्मन गिफर्ड हैं। गिफर्ड ने 1985 में शारजा के मकाम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना डेब्यू किया। उस वक्त उनकी उम्र 44 साल और 359 दिन थी। और वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी हॉलैंड के नोलन क्लार्क हैं। नोलन क्लार्क ने 1996 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा के मकाम पर अपना डेब्यू किया। उस वक्त उनकी उम्र 47 साल और 240 दिन थी। उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।